दोस्तों जैसा आप ये बोर्ड पे सवाल देख पा रहे हो x+1/x=5, तो आपको वैल्यू पता करनी है x²+1/x²(x³)(x)5(x)6। ऐसे ही ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, मात्र 10 से 15 सेकंड में हल करना सिखाऊंगा मैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यदि x+1/x=5 है तो x²+1/x²(x)² क्या होगा, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं पहले, ठीक है। x²+1/x² की वैल्यू ये स्क्वायर के फॉर्म में है, ये किसमें है, स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये जो x+1/x की वैल्यू 5 है, इसको आप क्या करो, स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपका दे रखा है, यहां पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, यहां पे जो साइन होगा उसका अपोजिट हम करेंगे माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे, और ये जो पावर में 2 है उसको यहां पे घटा देंगे। आपका आंसर आ गया 23, आंसर आपका आ गया, ठीक है। अगला करते हैं हम, x³+1/x³ हमें फाइंड आउट करना है, और क्या दे रखा है क्वेश्चन, x+1/x=2 अगर 5 है तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे, ठीक है। 5 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 125 आएगा। यहां पे प्लस साइन है तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। स्क्वायर में हम सीधा 2 को माइनस कर देते थे, लेकिन यहां क्यूब में हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहां पे क्या करेंगे, 3 और 5 का गुणा करेंगे, 3×5, इन दोनों का गुणा, उसको माइनस करेंगे, 120 आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम x³+1/x⁵ को निकालते हैं। x³+1/x⁵ को निकालने के लिए हमें एक चीज पता होना चाहिए, अगर हम x²×x³ करेंगे तो x⁵ आता है, ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब है इसकी जो ये वैल्यू है x+1/x=5, तो इसका पहले हमें स्क्वायर वाली वैल्यू निकालनी होगी। इसकी स्क्वायर वाली वैल्यू कितनी आई थी, 23 आई थी, ठीक है, इंटू x³ की वैल्यू निकालनी होगी। x³ की वैल्यू कितनी आई है, 120 आई है, ठीक है ना, ठीक है। अब हमें इसको गुणा कर लेना है, तो 12×36 का 6 और 12×2 = 24, 24 और 3 = 27, ठीक है, 2760 आ गया। अब क्या करना है, ये आपका कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो माइनस करना है, क्या माइनस क्या करना है, ये जो वैल्यू है x+1/x की वैल्यू है 5, उसको हमें माइनस करना है, ठीक है। तो कितना हो गया, 5, 5, 7, ये आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, x²×x³ हमें पता है क्या होता है, x⁵ होता है, तो x² की वैल्यू हम निकाल चुके थे, 23, x³ की 120, 2760 हो गया, और प्लस है, ये प्लस है, तो हम माइनस में क्या करेंगे, माइनस में क्या करेंगे, ये जो 5 है ना इसको घटा देंगे, ये जो 5 वाली वैल्यू है इसको घटा देंगे। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 घटा देते, 4 होता तो 4 घटा देते, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, x⁶+1/x⁶, ठीक है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, x³+1/x⁶ हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक छोटी सी चीज समझिएगा, अगर x² लिखा है, इसको पावर 6 बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x⁶ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें इसके लिए पहले क्या निकालना होगा, स्क्वायर निकालना होगा, ठीक है। स्क्वायर क्या, x+1/x=5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 23, यहां तक तो आप समझ गए, ठीक है ना। अब जो स्क्वायर वाली वैल्यू आई है, अब जो ये क्या हो गया, ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, x²+1/x² की वैल्यू आ गई। अब जब हम इसको क्यूब करेंगे और इसको क्यूब करेंगे, तब हमारा x⁶+1/x⁶ की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो हमें इसका क्या करना है, अब
क्यूब करना है, किसका 23 की पावर 3 का, ठीक है ना, इसका हमें क्यूब करना है। और 23 का क्यूब कितना होता है, 12167, ठीक है ना, इतना क्यूब होता है। ये प्लस है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। और क्यूब वाले रूल में क्या होता है कि दोनों का गुणा जो होता है वो माइनस हो जाता है, इन दोनों का गुणा 9 और 6 को हम माइनस कर देंगे, तो यहां भी हमारा आंसर आ गया 17 में से 9 गया 8, है ना, ठीक है। और इधर क्या बचा, 15 में से 6 गया 9, और यहां क्या बचा 0, और यहां क्या बचा 2 और 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलिए हम अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें x माइनस वन अपॉन x की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर लिख सकते हैं का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x² और स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कि नहीं, 119 ये लिख सकते हैं, बात तो वही है। अब एक बात बताऊं आपको बहुत ही मजेदार, ऐसे क्वेश्चन में ना, या ऐसे क्वेश्चन में ना, इधर का जो भी नंबर होगा उसमें 2 जोड़ने पे या 2 घटाने पे हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, ठीक है ना, 2 जोड़ने पे या 2 घटाने पे हमेशा क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें अगर हम 2 जोड़ दें, इधर भी 2 जोड़ दें, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और ये क्या हो गया, a² + b² + 2ab x² × 1 / x² तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल 2 ही तो बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x² + 1 / x² का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया 121 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से आपकी वैल्यू आ गई x² + 1 / x² = 11, आ गया 11 आ गया। आपको चाहिए क्या, x³ - 1 / x³, ठीक है ना। अभी हम क्या करें, यहां पे अब आप ध्यान दीजिएगा, 2 जोड़े या 2 घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना, 2 जोड़ दें या 2 घटा दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमें लग रहा है 2 घटा दें और यहां पे भी 2 घटा दें, ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये बन गया आपका 9 का, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² + 1 / x² - a² + b² - 2ab, a की वैल्यू x² बी की वैल्यू 1 / x², वो दोनों कट जाएगा तो -2 बचेगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया a - b² किसका हो गया, a - b का, मतलब x - 1 / x² और यहां पे 9 का, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया आपका ठीक है, तो ये आपका 9 आ गया, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, होल स्क्वायर का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आगे लिखते हैं x - 1 / x² इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आपकी वैल्यू कितनी आ गई, x - 1 / x = 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, तो क्यूब वाला रूल तो हम जानते हैं पहले से ही, इसका क्यूब कर दो, ठीक है ना। अब हमारे पास वैल्यू ये नहीं है, अब हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, हमें इससे मतलब है, क्योंकि हमारा आंसर इससे निकलेगा, तो 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, और ये 3 * 9 जुड़ जाएगा, तो आपका आंसर 36 आ गया, ठीक है ना, आपका आंसर आ गया 36। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये जल्दी करने का तरीका तो बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन सच में मुझे बेसिक कराने का बहुत ही मन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जब तक मैं बेसिक नहीं बताता हूँ मुझे ये लगता है कि पढ़ाई अभी अधूरी रह गई है, बिना बेसिक के मैथ कंप्लीट ही नहीं है। ट्रिक आप कितना भी सीख लीजिए, मेरा मानना तो यही है, आपको सही लग रहा होगा तो ठीक है, और गलत लग रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिना बेसिक के तो मैथ नहीं सीखा जा सकता है। और इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे अंदर से फील आ रहा है कि नहीं, बेसिक तो बताना ही पड़ेगा बच्चों को मुझे। और दोस्तों अगर मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अब मैं आपको कुछ शानदार क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जिसको आप समझ के, अब मैं बेसिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ट्रिक समझ में आ गया, आपकी क्लास खत्म हो गई है, तो आप अब यहाँ पे
क्लास को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक सीखना है तो आगे बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों एक क्वेश्चन ये था, इसको मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जैसे बता रहा हूं वैसे समझ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो सीधा आंसर भी आपको पता चल जाएगा। ये जो वैल्यू है ना, इसको हम कह देते हैं कि अंडर रूट वन प्लस अंडर रूट वन प्लस अंडर रूट वन प्लस, ये चलता जा रहा है, तो हम मान लेते हैं ये एक्स के बराबर है, माना, ठीक है ना। अब दोनों तरफ वर्क करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा वन प्लस, फिर ये नीचे वाला ऐसे ही चलेगा, अंडर रूट वन प्लस अंडर रूट वन प्लस, ये चलता रहेगा और इधर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब हम लिख सकते हैं वन प्लस, ये जो वैल्यू है ये तो चलता रहेगा, इसको मैंने एक्स के बराबर माना है, तो यहाँ एक्स लिख सकते हैं बराबर एक्स स्क्वायर। यहां से अब आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर जीरो, ठीक है, ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ठीक है। एक होता है श्रीधराचार्य, सूत्र, ठीक है ना, जब उसको अप्लाई करेंगे, मैं अप्लाई करके नहीं बता रहा हूं, टाइम बहुत वेस्ट होगा, और ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है आपके ग्रुप डी में और रेलवे में कि इतना डीपली आपको जाना पड़े, ठीक है ना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली, तो आपको क्या करना है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो एक्स की वैल्यू आएगी 1.6, ठीक है, और ऑप्शन होंगे आपके पास, ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन था, एक के बराबर होगा, एक और दो के बीच में एक से छोटा होगा, ठीक है, ऐसे ऑप्शन होंगे या तो डायरेक्टली होगा, तो आप ये वाला टिक करके आएंगे, ठीक है ना, ये होता है। अच्छा ये क्वेश्चन ये था, p इक्वल टू 99, तो पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 का वैल्यू बताना है, ठीक है, ये हमारा है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, हम आपको बताते हैं पी प्लस वन का होल क्यूब कितना होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हैं पी प्लस वन का होल क्यूब बराबर पी क्यूब प्लस वन प्लस 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 3p स्क्वायर प्लस 3p हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस 1 को इधर ले आते हैं, p प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1 बराबर पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p, ठीक है ना, हो गया। आपको ये चाहिए था, यही तो चाहिए, तो यहां से p प्लस 1 का होल क्यूब माइनस वन बराबर, यहां से पी अगर हम कॉमन ले लें तो हो गया पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3, यही तो हमें पता करना था। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका पी प्लस वन का होल क्यूब माइनस वन, और पी की वैल्यू कितनी है 99, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं प्लस वन का क्यूब माइनस वन बराबर, ठीक है ना, ये इसके बराबर है, तो हमें यही सॉल्व करना है। तो 99 हो, ये क्या हो गया 100 हो गया, 100 का क्यूब माइनस 1 1 0 0 0 0 0 0 माइनस 1, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 9 9 9 9 और 9, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं एक बात बताऊं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, कि ये अब आप याद रखना, शॉर्ट ट्रिक होता है क्या है, अब मैं आपसे कह दूं, ये ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक है, क्या ट्रिक है, इसका ट्रिक ये है कि p इक्वल टू 99 और मोस्टली 99 ही देता है, तो ये वैल्यू अगर आपको बतानी है तो p प्लस 1 का क्यूब कर देना और उसमें माइनस 1 कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है, ये आपका ट्रिक है। तो वो आया कहां से, ये बेसिक तरीके से तो आया। अब बच्चे को मैं यही याद करा दूं अगर, तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा ना कि वो आया कहां से था, इसलिए बेसिक बहुत जरूरी है, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है,
अभी तक ट्रिक से तो जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए वहां भी केवल एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब था, लेकिन अब यहाँ पे इसके साथ वैल्यू दे रखी है। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ और बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, ये है 3x का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन 2x का होल क्यूब, ये दिख रहा है आपको, ये तो लिखा हुआ है। तो कहने मतलब मैं ये वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो ये निकल गया, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू है 2x माइनस 1 अपॉन 3x इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, ऊपर 3 लाना है और नीचे 2 लाना है, ऊपर 3 लाना है और नीचे 2 लाना है, तो हम इसी से गुणा कर दें, ऊपर 3 दोनों तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम ये 3 इंटू 3 बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू 3 बाई 2 माइनस 1 अपॉन 3x इंटू इंटू 3 बाई 2 इक्वल टू 2 3 या 6, ये हो गया 9, ठीक है। यहां से 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 इंटू एक्स 3x हो गया, माइनस 1 अपॉन 2x हो गया इक्वल टू 9। भाई यही तो पता करना था आपको, 3x और यही तो लाना था आपको। अब आपको क्या करना है, क्यूब है तो हमें पता है हमें इसका क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। क्यूब का तरीका हमारा पहला वाला होगा जैसे हमने आपको बताया, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। यहां पे क्या है, माइनस है तो हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है। इनका गुणा 3 × 9। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे और भी चीजें हैं, इसमें क्या है कि पहले यहां पे केवल इनके साथ वैल्यू नहीं होती थी, अगर वैल्यू हुई ठीक है ना, तो हमें उनका भी गुणा करना पड़ेगा, गुणे 3 और यहां पे क्या है 1/2, तो इंटू 1/2, ठीक है ना, बात समझ में आया, हाँ आ गया। तो 729 प्लस ये क्या हो जाएगा, 9 × 3 = 27 और 27 और 7 × 3 = 21 81 हो गया, 81 हो गया बटे 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 9 × 2 = 18 हासिल लगा 1 × 2 = 4 = 5 और 7 × 2 = 14 प्लस 81/2, इसको आप जोड़ लेंगे 8 × 1 = 9 और 8 × 5 = 13 और क्या है 4 × 1 = 5 और 1/2 भाग करिएगा, आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने उसका शानदार ट्रिक बताया, उसके साथ साथ मुझे नहीं रह गया, मैंने बेसिक भी बताया आपको। मैं अभी ये चैप्टर कंप्लीट तो हुआ नहीं है, ये तो बस आपको सिखाने के लिए था, ऐसे क्वेश्चन अभी रेलवे एनटीपीसी में बहुत ही पूछे जा रहे हैं, ये जितना मैंने सिखाया ये सफिशिएंट है आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैं आगे, मेरा प्रॉपर क्लास चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, आज मैं वो उसका लेक्चर नहीं अपलोड कर पाऊंगा, कल करूंगा मैं अपना पार्ट 3 अपलोड करूंगा, ठीक है। आप उसे भी देखिएगा, आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूँ और आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और कामना करता हूँ आप सबका सिलेक्शन हो, मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा, लापरवाही मत करिएगा। थैंक यू सो मच।